तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश वापसी करेंगी, जैसे ही वहां पर परिस्थितियां सामान्य होती है उसके बाद वो वहां पर जाकर दोबारा से इलेक्शंस भी लड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली उनका प्राइम मिनिस्टर फिर से बनना लगभग तय मान लीजिए आप, क्योंकि इस समय सिंपति की जो लहर उनके प्रति चल रही होगी या शुरू हो जाएगी उनके बांग्लादेश पहुंचते ही, उसकी कोई सीमाएं बाकी नहीं रह जाएंगी। लेकिन इस समय तो हम लोग जानते हैं कि CIA को हम लोगों ने उसके पूरे मंसूबे में से आधा मंसूबा तो फेल कर दिया, लेकिन आधा मंसूबा CIA या फिर बराक हुसैन ओबामा का तो पास हो गया, और वो ये कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाकर वहां पर तैयार कर दिया। ये बिल्कुल उन्हीं का पपेट है। इसे अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें तो एलेक्सी नवेनली, जो कि अब इस दुनिया में वैसे नहीं रहे हैं, वो रशिया के अंदर जिस तरह से अमेरिका के एजेंट थे, ये भी बिल्कुल उसी तरह का रोल प्ले बांग्लादेश के अंदर करने जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वैसे खैर, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कर लिया है, शपथ समारोह हो चुका है, तो अब हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर पीस एस्टैब्लिश हो जाए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा बहुत ही शानदार एक ट्वीट किया गया। इसी तरह के ट्वीट की हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। उनकी तरफ से मोहम्मद यूनुस को पहले तो बधाइयां दी गई, पीस एस्टैब्लिश हो इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दी, और स्पेशली जो हिंदुओं के साथ वहां पर उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है, जो कि समय कंट्रोल से बाहर हो चुका है, उन्हें डायरेक्टली हिंदूस कहकर इस बात को एड्रेस किया, और इसका मैसेज अब वर्ल्ड वाइड डेफिनेटली फैलेगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों, एक जंग भी छिड़ चुकी है बांग्लादेश और भारत के बीच में, और इसको देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल इस गवर्नमेंट को भारत के खिलाफ ही इस तरह की गतिविधियां करने के लिए अमेरिका द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने मालदीव में देखा, मोहम्मद मोइजू जैसे ही मालदीव का राष्ट्रपति बनता है वो तत्काल एंटी इंडिया एक्टिविटीज को करना शुरू कर देता है, तो ठीक ऐसे ही बांग्लादेश के इस नए प्राइम मिनिस्टर द्वारा, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा जा सकता लेकिन पावर से इसके पास वही सारी रहेगी, इसने तत्काल ही भारत के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी है, और इसने यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश के अंदर इस समय जो कुछ भी हुआ इसमें दोष भारत का है, यानी भारत द्वारा किसी भी तरह का कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया। भारत वो जो कि सबसे बड़ा पड़ोसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, और इन सारी चीजों को होने से पहले मैनेज कर सकता था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बाद जो ट्वीट किया उसमें सारे जवाब लगभग छुपे हुए थे, बाकी की सारी चीजें और जितनी भी कसर रहेगी वो डॉक्टर जयशंकर पूरी कर लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर भी निकल कर आ रही है। दरअसल जहां पर भी इस तरह की एनार्कीज वगैरह शुरू हो जाती है, जहां पर तख्ता पलट हो जाता है, अशांति हो जाती है, तो उस तरह के सभी देशों के अंदर जेल ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, और इस तरह की घटनाएं बताई ये जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी हुई है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर भी 5 जिलों के अंदर जेल ब्रेक की घटनाएं निकल कर सामने आई है, जिसमें बहुत ही पुराने आतंकी जो कि काफी लंबे समय से अंदर बंद थे वो सारे बाहर आ चुके हैं, और भी कई सारे नॉर्मल टाइप के प्रिजनर्स भी बाहर आए हैं, लेकिन आतंकियों का स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, जो अलग अलग कई सारे प्रतिबंधित और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, और बताया ये जा रहा है कि वो भारत की बॉर्डर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सारी जानकारी और चेतावनी, जिसे हम कह सकते हैं, ये BSF की तरफ से दी गई है, तो इसको लेकर किसी तरह का ठोस कदम अब डेफिनेटली उठाया जाना है। तो जो परसों की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ठीक है, इस तख्ता पलट से आप भारत को कितना भी नुकसान गिनवा दीजिए, एक फायदा तो जरूर होगा कि पहले जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारा बिहेव था इन बांग्लादेशियों के प्रति वो दोस्ताना था, कुछ भी हो ये हमारी फ्रेंडली नेशन से आए हुए लोग थे तो इनको ट्रीट भी उसी तरह से किया जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक सॉलिड बहाना है कि अब आप हमारे दोस्त नहीं रहे हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को आपसे खतरा है, और हमारी BSF भी अब उसी अंदाज में रिप्लाई कर सकती है, तो घुसपैठ में भी आने वाले कुछ समय में पूरी तरह से बंद हो जाए। बाकी डिप्लोमेटिक प्रयासों से भारत ने लगातार कोशिशें करनी चाहिए कि वहां पर जल्द से जल्द परिस्थितियां नॉर्मल हो, शेख हसीना को वहां पर पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होकर बाकी सारी चीजें बराबर हो जाए। रही बात मोहम्मद यूनुस की, तो वैसे ये कुछ लंबे समय तक सर्वाइव जरूर कर सकता है, क्योंकि ये मोहम्मद मोइजू की तरह चाइना का पपेट नहीं है, ये अमेरिका का पपेट है, तो कुछ और लंबे समय तक, कम से कम तब तक जब तक अमेरिका के अंदर पूरी तरह से इलेक्शंस नहीं हो जाते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ जाते, तब तक ये पिटर लगातार करते रहेगा। उसके बाद जैसे ही आटे की कीमतें 200-250-300 रुपए प्रति किलो तक पहुंचेगी, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी और भारत के ही चरणों में आकर इन्हें गिरना है अल्टीमेटली। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।